जैसा लोगों का बीच में बीजेपी को लेकर उत्साह है, मैं बोल सकता हूँ सरकार बीजेपी का ही बनेगा। काल कोल्हान से संफाई जी का योगदान हुआ, आज लोविंदा का योगदान हुआ, पार्टी को जरूर बल मिलेगा, पार्टी का कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। तो ये डीसी लोग किसी का इशारा में काम कर रहा है, जब बीजेपी का सरकार आएगा वो रिपोर्ट ठीक ठाक देगा। जेएमएम में कोई सम्मान मिलते थे क्या, वो बीजेपी में आते थे? आप कैसा सम्मान दिया है, जासूस लगा के, आपका घेराबंदी करके? कोई अपना मंत्री का खिलाफ जासूस लगाता है क्या? इसको सम्मान का परिभाषा यही है क्या? नमस्कार, एस डी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। हमारे साथ खास बातचीत के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा है, जो लगातार झारखंड दौरे पर हैं। सर, लगातार झारखंड आ रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली और इसको लेकर के बीजेपी के जो शीर्ष नेता रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, वो भी अब बीजेपी में शामिल। देखिए, चुनाव 2 महीना 2.5 महीना में होने वाला है। जैसा लोगों का बीच में बीजेपी को लेकर उत्साह है, मैं बोल सकता हूँ सरकार बीजेपी का ही बनेगा। बड़े बड़े लोग बीजेपी में आ रहा है और ये सिलसिला भी आगे भी चलते रहेगा। जिस तरीके से जेएमएम के जो सीनियर लीडर आए हैं, चंपई सोरेन की बात कर ले या लोविंदा की बात कर ले, संथाल में और कोल्हान में बीजेपी अपने आप को कितनी मजबूत? देखिए, अभी कोल्हान और संथाल दोनों में परिवेश का काफी परिवर्तन होगा। दोनों बहुत बड़ा नेता है। काल कोल्हान से संफाई जी का योगदान हुआ, आज लोविंदा का योगदान हुआ, पार्टी को जरूर बल मिलेगा, पार्टी का कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया। जो रिपोर्ट डीसी ने झारखंड हाईकोर्ट में पेश की, उसमें उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि कोई घुसपैठ झारखंड में नहीं। देखिए, जो लोग आ रहा है वो हवा से आ रहा है क्या? ये डीसी लोग क्या समझ के ये रिपोर्ट दे रहे, भगवान जानते हैं। 2001 से 11 में जो संख्या बढ़ा वो कहाँ से आया? 11 से जो 21 का संख्या बढ़ा वो कहाँ से आ रहा है? नया नया जो लोग यहाँ आ रहा है वो लोग कहाँ से आ रहा है? कोई रिपोर्ट ने लिखा है इसका बारे में? तो ये डीसी लोग किसी का इशारा में काम कर रहा है, जब बीजेपी का सरकार आएगा वो रिपोर्ट ठीक ठाक देगा। एक और सवाल लेते हैं, जब चंपई दा जब बीजेपी में शामिल हुए, लोबिंग दा शामिल हुए, तो ऐसे में जेएमएम कह रहा है जो सम्मान जेएमएम ने दिया वो बीजेपी नहीं दे सकता, वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री का एक स्टॉक है वो बनाकर। देखिए, अगर जेएमएम में कोई सम्मान मिलते थे क्या वो बीजेपी में आते थे? आप कैसा सम्मान दिया है, जासूस लगा के, आपका घेराबंदी करके? कोई अपना मंत्री का खिलाफ जासूस लगाता है क्या? इसको सम्मान का परिभाषा यही है क्या? आप उनको जाके पूछिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मेरे सहयोगी शशि कुमार के साथ मैं गौरी राज, एसटी न्यूज के लिए रांची से।